तो गाइस अगर आप भी मेरी तरह एक YouTube क्रिएटर हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप अपने YouTube चैनल पर किस तरह के आपको वीडियोस अपलोड करना चाहिए। अगर आपके YouTube चैनल पर पहले अच्छे व्यूज आते थे बट अभी के टाइम पर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे तो भी आपको अपने YouTube चैनल पर किस तरह के वीडियोस बनाना चाहिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यही नहीं दोस्तों, आपको YouTube खुद आपको बताता है भाई आपको किस तरह के आपको वीडियोस बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। वीडियो छोटा होने वाला है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, वैसे तो मेरा भी चैनल डाउन है बट मुझे पता है कि भाई मुझे क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है। अभी नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे को दबा लो भाई, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ भाई। ऑन करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या है भाई, आपको अपने YouTube चैनल पर चले जाना है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से मैं कुछ इस तरह का मैंने ओपन कर लिया अपना वाइडियो स्टूडियो। उसके बाद आपको सिंपली व्यू मोर पर चले जाना है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको करना है क्या है भाई, कॉन्टेंट पर आपको चले जाना है। कॉन्टेंट पर चले जाओ, जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद भाई आपको यहाँ पर देखो, नीचे कॉन्टेंट पर आने के बाद यहाँ देखिए कहाँ पर है, हम यहाँ पर देखिए हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोज़, आपको कुछ इस तरह का। तो आपको इसको करना क्या होगा, आपको स्लाइड करना है इस तरह का। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देखो YouTube सर्च टर्म्स, यही है दोस्तों, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर खुद हमें YT स्टूडियो मतलब कि YouTube हमें बता रहे कि भाई आपको अपने चैनल पर किस तरह के वीडियोस अपलोड करना चाहिए। जो भी ऑडियंस है जो आपको सर्च कर रही है, जो कीवर्ड होते हैं ना वो सर्च कर रही है, तो यहाँ पर वो कीवर्ड्स यहाँ पर आपको शो करेंगे। यहाँ पर देखो अभी के टाइम पर यहाँ पर लास्ट 28 डेज में मुझे बता रहा है कि भाई ओपन कैमरा है, डिज्नी प्लस हॉट स्टार है, और बहुत सारे यहाँ पर सोशल ब्लेड है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई एक महीने का नहीं, हम अगर लास्ट 48 आवर्स या फिर 7 डेज का भी हम चेक कर सकते हैं, तो चलिए 7 डेज का चेक कर लेते हैं। 7 डेज में भी हमें बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर निकल कर आ जाते। तो अगर आप इन कीवर्ड्स पर अगर आप वीडियोस बनाते तो भी आपके वीडियो रैंक करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाते। तो चलिए हम लास्ट 7 डेज के जगह हम रियल टाइम 48 आवर्स कर लेते। तो लास्ट 48 घंटे में हमें यहाँ पर देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे। अगर मैं इतने सारे जो कीवर्ड्स है जैसे कि ओपन कैमरा के अगर ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ तो भाई मुझे व्यूज़ आएंगे। और उसके बाद भाई एडसेंस में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, और भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए रेकफोर्स 2 एप्लीकेशन है, ऑडियो रिकॉर्डर एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी अगर मैं वीडियोस बनाऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद मैं लास्ट 60 मिनट्स कर लेता हूँ। लास्ट 60 मिनट में मतलब एक घंटे में मुझे किस कीवर्ड्स में मेरे चैनल को सर्च किया गया, तो एडसेंस के ऊपर गया, फर्स्ट पेमेंट के ऊपर। तो भाई आपको भी कुछ इस तरह आपको अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर जाना है, और वहाँ पर आपको YouTube सर्च टर्म्स में जाना है, और वहाँ पर आपको सर्च करना है लास्ट 28 डेज में कौन से कीवर्ड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर लास्ट आप 7 डेज का भी चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 28 डेज और लास्ट 7 डेज आपको चेक करना है, जो भी कीवर्ड जो टॉप पर आपको नज़र आएंगे, जो आपको ज़्यादा जो व्यूज़ लेकर आ रहे हैं अभी, जो भी आपने अपने YouTube चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड किए थे, जो मोस्ट पॉपुलर जो वीडियोस होते हैं जो आपको रियल टाइम पर आपको व्यूज़ ला कर देते, मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ उस वीडियोस पर व्यूज़ आते, तो अगर आप उसी टॉपिक पर अगर फिर से एक और वीडियो बनाएंगे जो आपके यहाँ पर YouTube सर्च टर्म्स में जो शो हो रहे कीवर्ड्स, अगर सेम उसी कीवर्ड्स पर अगर आप वीडियोस बनाएंगे तो भी आपकी वीडियो रैंक करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और आपकी वीडियो को YouTube सर्च से देखा जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कमाल की इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। बाय बाय।